सर शुरू करें सर। सेकेंड जून गर्मी है ना, सेकेंड जून 2013 चंडीगढ़ उन्होंने मैरिज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आज ये देख लेते हैं जो आप एग्जांपल्स लाए हैं थोड़े से कि किस तरह से ये काम कर रहा है एस्ट्रोलॉजी का, जो मैंने आपको एग्जांपल्स के रूल्स और कॉम्बिनेशन बताए हैं ये कैसे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये जो हॉरोस्कोप सामने है ये 79 14 जनवरी है, तो इसका है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। तो पहले तो एक जनरल आउटलुक देखते हैं कि मैरिड लाइफ में इसके प्रॉब्लम नजर आती नहीं आती, एक चीज। दूसरा फिर वो इवेंट जो खास है, जैसे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कई टाइप की होगी, ब्रेकिंग ऑफ एंगेजमेंट, डिवोर्स, घर में लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें तो सब अलग अलग है। तो क्या ये इसमें नजर आती नहीं आती? डिवोर्स का रीजन भी पता करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो डिवोर्स का रीजन जो होता है वो आदमी जो हमारे पास आके बता रहा है, एक पार्टी आती है, दोनों पार्टी तो आएंगे, वो अपना वर्जन देते हैं और वर्जन कितना सच्चा कितना झूठा हम क्या नहीं पाते हैं। क्योंकि जो भी आएगी लड़की वाले आएंगे तो बोलेंगे लड़का ठीक है, लड़के वाले आएंगे लड़की ठीक है, सभी कहे कहेंगे ना हम ठीक है, हमसे अच्छा कोई नहीं, और मैं भी बोलूंगा मेरे से अच्छा कोई नहीं। डॉक्टर तो देखते ना क्या, वो मैं इसलिए कह रहा था कि वो जो चीज कहेंगे हो सकता है वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट ना हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो बात कह रहे हैं वो सच्ची ना हो। देखिए हम अपना देखने की कोशिश करेंगे क्या वजह हो सकती है, ठीक है ना। डिवोर्स की वजह क्या क्या हो सकती है, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, इम्पोटेंसी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो हस्बैंड का या वाइफ का, या वैसे ही नहीं बनती हो आपस में, मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा फर्क हो, तो कई वजह हो सकती है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे जिसका 5/12 होगा, जैसे लड़के का लड़की का नहीं है तो वो डिवोर्स होता है, तो इसका मतलब लड़के का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उस वजह से डिवोर्स हो रहा है, दोनों की हॉरोस्कोप होगी और अच्छा पता चलेगा तो क्या हो जाएंगे, तो इस तरह से उसको हम देख सकते हैं। और फिर भी मतलब जैसे पहले की जो खुंडियां हैं, जो पहले के लोगों की, तो खुंडियां मिलती नहीं थी, वो फिर भी मतलब उससे साथ रहते हैं, तो वो भी इसलिए शौक करता है। मिलती नहीं थी मतलब, मैंने पहले तो खुंडियां मिलाते ही नहीं थे सर। अच्छा करते थे हाँ, वो तो अच्छा था, वो तो बेटर साथ मिलेगी कम से कम, दिल मिला लेते थे तो बात ही करो। लेकिन सर ये भी तो कंसेप्ट था ना कि अगर औरत परेशान है तो वो किसी को बताती भी नहीं थी, वो झेलती थी। आज जो मीडिया और मतलब कि इतना स्ट्रांग हो गया है लॉ बता भी चुका हूँ कि हमारे यहाँ पर मैरिज है, बताई जाती है मैरिज का मतलब क्या है, ये मैरिज चलानी है, और डिवोर्स का तो और तलाक का शब्द ही नहीं हमारे शब्दकोश के लिए, ये रीजन है कि डिटरमिन। अब वो लड़की सहती रहती थी बेचारी, कहती नहीं थी, ये तो देखो बातें हैं, लड़की कितनी सहती है, अभी आपकी शादी नहीं हम जानते बात वो नहीं है, बात ये है कि जब मैरिज होगी तो जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों अलग अलग परिवारों से आते हैं, तो सबका अपना रहन सहन का तरीका अलग अलग होता है और मेंटल लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो होगा नहीं, भाई बहन का नहीं होता, जो एक ही माँ के बच्चे हैं ट्विंस का नहीं होता, तो उसका कैसे हो सकता है। तो मैं कहूंगा मैं सह रहा हूँ, बीवी से मेरी से पूछोगे बीवी कहेगी मैं सह रही हूँ, तो ये तो सब होगा यार, इसमें कोई बात थोड़ी ना, अब वो तो चलाना भी इकट्ठा है, इसका तो परिवार को भी मिलेगा नहीं, आज इसी ये बीवी कल वो बीवी परसों एक में एक कोट नजर आएगी एक में एक कोट नजर आएगी, वो तो है ही है। तो इसीलिए मैरिज का मतलब ही यही है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत जो आपस में डिफरेंस ओपिनियन है वो लेके चलना है इकट्ठा, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं है यार, कॉम्प्लीमेंट्री है, डिफरेंस है इसके अंदर, आप समझे बात। जो काम नेचर, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये नेचर को अगेंस्ट जाते हैं, औरत और मर्द एक जैसे नहीं है, वो कहते हैं आपको जो आपने कानून की बात की, औरत और मर्द कानून में लिखा जो आज का कानून है वो कहता है बराबर है, बराबर नहीं है, हो ही नहीं सकते बराबर, कैसे बराबर हो सकते। बच्चा पैदा होगा औरत उसका टट्टी पेशाब साफ कर सकती है, औरत उसको खिला सकती है, बच्चा होगा
बच्चा नहीं खा रहा होगा, साल डेढ़ साल का दो साल का बच्चा हो, आगे आगे भागेगा, माँ पीछे पीछे भागेगी, उसको खिला के दम देगी। आप उसको माँ बोलेगी आप खिला दो, हम बोलेगा बेटा खा ले, बोलेगा मैं नहीं खा ले, बेटे खा ले, नहीं खा ले, वो खाना खा नहीं तो ना खा, मर्द में पेशेंस नहीं है, खिला दे उसको। फिर औरत जो है दूध पिला सकती है, हम दूध नहीं पिला सकते, उनका नेचुरल दूध आता है, अब हम कहाँ से लाएं, हमारे पास नहीं आता। सेंटीमेंट्स उतनी मर्द में होती नहीं, औरत जो घर संभाल सकती है हम नहीं संभाल सकते मर्द लोग। फिर जो है मर्द की इज्जत औरत के हाथ में होती है, घर में आपके आपकी बहनें जो हैं जो शादीशुदा हैं वो तभी आएंगी जब घर के अंदर आपकी वाइफ जो है उनकी रिस्पेक्ट करेगी। आप जितनी मर्जी रिस्पेक्ट कर लो, अगर बहू रिस्पेक्ट नहीं करती घर की तो नहीं आएंगे समाज में, आपकी चवन्नी की इज्जत नहीं रहेगी अगर आपकी वाइफ जो है वो रिस्पेक्टफुल नहीं है मेहमानों के लिए। मतलब कि ये जैसा बेटा जी कितना पूछ लो लेकिन जब तक बहू नहीं पूछेगी तो उसको सर्टिफिकेशन नहीं, क्योंकि घर का संभालना उसी के हाथ में, घर का संभालना है तो घर की इज्जत उसी के हाथ में, मर्द की इज्जत उसी के हाथ में, कैसे बराबर है हम भाई? मर्द तो कहीं ठहरता ही नहीं औरत के आगे, बराबर सर इक्वालिटी हो, इक्वालिटी हो नहीं सकती ना भाई साहब। ना हम बच्चा पैदा कर सकते हैं मर्द कल्या कहला साहब, ना आप बच्चा पैदा कर सकते हो, ना बच्चे को आप दूध पिला सकते हो, ना बच्चे और उठे को आप बना सकते हो। घर में आपकी इज्जत चवानी की नहीं है, आपकी बीवी आपकी इज्जत समाज में रखेगी तो आपकी इज्जत रहेगी, आप हो क्या औरत के आगे, बराबर है कैसे? और उसको रिड्यूस कर रहे हैं, औरत की जो लेवल है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ बराबर की बात करें, हम ठहरते नहीं यार औरत के आगे, है क्या हम? ठीक है, इस चीज को छोड़ देते हैं हम, ये बातें समाज को उठाने के, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम ज्योतिष का है, तो हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, इसमें डिस्कस। अब ऊपर एक प्लेनेट जैसे मैंने कल दिखाया था वैसे देखते हैं कि केतु कैसा है, 6, 11, 12, 4, 10, 4, 9, तो नेगेटिव कितने हैं मैडम इसके अंदर? दो है। पॉजिटिव कितने हैं? ठीक है ना। अब इसके अंदर एडवांस के अंदर आप ये भी कर सकते हो, 9 बेटर है, ये आप कर सकते हो कि 9 फैसिलिटेट है, एनीवे बट देखने वही है 1 से 10, 2 साल या है। अब वीनस में क्या 2 साल ऊपर है, 6, 11 नीचे, फिर 1 से 10 पूरा नीचे, अब 1 से 10 स्ट्रॉन्गर हो गया। सन का क्या हाल है? अगर 2-7-11 नहीं होता सिर्फ 1-6-10 होता तो डिनाइल होता। अब इसमें 2-7-11 देखिए 4 है, 1-6-10 भी 4 है, ठीक है। अब मून हो गया, मून बिड़ा गया, मार्स बिल्कुल खराब, राहु ठीक है लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा नहीं, जुपिटर कमजोर हो गया बहुत नेगेटिव हो गया, शनि शनि ठीक है पॉजिटिव है क्योंकि नीचे 1-6-10 है, मोर नेगेटिव है नीचे 1-6-10। अब ये देखो ये बराबर पे छूट गए, ये पॉजिटिव हो गए, या 1 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तीन नेगेटिव वाला नीचे वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शनि बहुत कमजोर है। अब मैं इसको ना आपको भी समझाऊंगा अभी इसको किस प्रकार से एग्जैक्टली देखना, मर्करी इज परफेक्टली वाला ठीक है। अभी ये पहली शादी को बता रहे हैं, मर्करी जुपिटर और मर्करी, और ये चली नहीं होते ही काम हुआ, मेल ये होते ही मतलब जो है महीने में 15 दिन, हफ्ता 10 दिन मतलब महीना 15 दिन क्या हुआ जो भी है ये इतनी चली। इसके बाद मरकरी शनि तो कमजोर है, केतु पूरा शादी नहीं हुई, केतु और जुपिटर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो केतु नेगेटिव है, जुपिटर में एक पॉसिबिलिटी है मामूली सी, क्योंकि इसमें जुपिटर में 11 नीचे है, इसमें 11 ऊपर है, 5 और 9 दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं ना, 5 पॉजिटिव है लेकिन वो फैसिलिटेटर है, ये 6 को तोड़ देगा, अगर नीचे है तोड़ देगा, यहाँ पर होगा तो भी तोड़ेगा लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, नीचे वाला 5 ज्यादा स्ट्रांग है,
और ये जो क्या हाँ सब ये जो कह रहा है ये 2/10 से वीक हो गया ठीक हो अब पूरे केतु की दशा में शादी नहीं हुई अब वीनस में हुई है वीनस में हुई है अब ये चलेगी या नहीं चलेगी ये सवाल वही सर हम पूछ रहे हाँ जी होगी वीनस वीनस में तो हो सकते हैं वीनस वीनस राहु वीनस वीनस सन में नहीं होती मून में नहीं होती मार वीनस वीनस राहु में हो सकती है ठीक है ना अब वीनस वीनस राहु वाली चलेगी सर इसमें भी दिक्कत आएगी वीनस सन जैसे आएगा आज भी मतलब हालात उतने अच्छे नहीं नजर आते जो हम हमारी समझ गए मैं अब आपको ये समझाता हूँ इसको किस प्रकार से हमने आइडेंटिफाई करना है एक्चुअल ठीक है वीनस को आपको रीड करके बताता हूँ क्योंकि वीनस है कौन सा अब इसको रीड कैसे करना है पॉजिटिव कॉम्बिनेशन के हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते पॉजिटिव कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए जैसे पूसा बना है जो प्लेनेट है उसकी हम लेंगे पावर 1 इसकी पावर लेंगे 2 नक्षत्र की और सब लॉर्ड की पावर लेंगे 3 ठीक है अब वीनस में कितने पॉजिटिव हैं दो पॉजिटिव 1+1 2 कर देंगे प्लेनेट की पावर लेंगे 1 नक्षत्र की लेंगे 2 सब लॉर्ड की लेंगे 3 तो इसकी 1+1 2 पावर कर देंगे इसकी कितनी करेंगे 11 की 2 और ये 6 की भी 2 इसकी माइनस इसकी क्या करेंगे 11 की 3 3+3 और इसकी 9 ये तरीका है एक रफ रफ नहीं एग्जैक्ट रहा मोर मतलब एक्यूरेटली इस चीज को समझने के लिए ये देखिए आप ये 2 से बना है नहीं दिखा मैं तो बताओ ठीक है ये 2 से बना है इसकी पावर जो प्लेनेट की बन रही है जितने भी इसमें नंबर आएंगे उनकी पावर बन रही है इसकी पावर 1 2 प्लस पॉजिटिव है इसकी पावर 2 नक्षत्र है इसकी पावर 2 नेगेटिव क्योंकि ये नक्षत्र है इसकी ये 3 है तो 3 जमा 3 जमा 3 3 3 9 और ये 11 एक ही पॉजिटिव है तो इसकी 3 हो जाएगी अब इसको टोटल कर देंगे 2 2 4 3 7 9 2 11 7 पॉजिटिव 11 नहीं पावर सपोज कर रहे हैं सर सपोज कर रहे हैं पावर को क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि नक्षत्र प्लेनेट इज वीकर देन नक्षत्र नक्षत्र इज वीकर देन सन सन लॉर्ड सन अब कितना स्ट्रांगर स्ट्रांगर का मतलब कितना स्ट्रांग दैट इज ये पावर नहीं है ये मल्टीपल है जो आप कर रहे हैं हां मल्टीपल है कुछ भी कह लो उसी मल्टीपल मान लो ये मर्जी में तो मेरी बात समझ आ गई है हूं इसे कैलकुलेट कैसे किया मैं समझ नहीं पा रहा कोई बात नहीं रिपीट कर ये टेबल पर इसमें 2 पॉजिटिव नंबर है 2 और 7 जी इसकी एक एक की एक एक लिंग नंबर है क्योंकि एक जमा एक ये 2 ये इसकी 2 हो जाएगी इसकी 2 अगर यहाँ पर 2 होते 11 के साथ 7 होता तो मैं 4 इसकी 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव इसमें 3 नेगेटिव है तो 3 दिया 9 और इसके 3 एक ही है अब इनको हम टोटल कर देंगे ये 7 हो जाएगी ये 9 हो गया अब इससे हमें असेस हो जाएगा वीनस कितना स्ट्रांग है ये वीनस नेगेटिव बट ये नेचुरल सिग्निफिकेट रहा तो चले अब इसी तरीके से केतु को देखते हैं केतु क्या हो गया 6 10 11 9
उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, ठीक है, इधर ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ये नाइन का कितना ले लू, एक ही ले लो, एक ले लो क्योंकि ये फैसिलिटेटर है। नाइन के थोड़े से डाल, नाइन का सर तीन क्यों लिया आपने, जुपिटर को देखते, जुपिटर क्या है, 10 11 6 5, ठीक है। तो नेगेटिव कितने हो जुपिटर में, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, यूं कर ये हो गया 3:3। अब आपको समझ आया भाई, जुपिटर में पॉसिबिलिटी थी लेकिन केतु में पॉसिबिलिटी नहीं, तो ये एक आइडिया आप लेते हैं। हालांकि जुपिटर में एक भी एक ही पॉजिटिव है, केतु में भी एक ही पॉजिटिव है, उसमें भी एक फैसिलिटेटर है, इसमें भी एक फैसिलिटेटर है, लेकिन ये फैसिलिटेटर के तो नंबर बराबर है, इसके नंबर में दम नहीं जाएगा, इसके डबल हो। तो केतु की जो दशा है वो बहुत वीक है, बहुत स्ट्रांग भुक्ति है चाहिए जो कुछ कर सके। अभी इधर देखते हैं कि वीनस भी कमजोर है, सन भी कमजोर है, मून भी कमजोर है, मार्स भी कमजोर है, जुपिटर भी कमजोर है, शनि कमजोर है, सिर्फ एक मरकरी है जिसमें दम, केतु मरकरी में कुछ होता है। महादशा वीक है, वो शादी के लिए पॉजिटिव नहीं है, और फिर उसका अंतरदशा अगर पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है तो शादी हो जाएगी। तो वही है ना, हमारा तो ये दशा डिनाई तो डिनाई, अब इसको देख देख केतु क्या डिनाई है, 2:3 है, अगर ये तकरीबन 1:3 होता तो हम बिल्कुल ही मतलब काट देते इसको, चाहे कुछ भी हो। 2:3 में कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी अगर हुआ तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे इसके अंदर समझ लो ये ना होता उल्टे तो फिर कुछ फायदा नहीं, 1:3 रह जाए ना, ये तो बहुत बेकार है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम एक पॉसिबिलिटी, ये में कोई पॉसिबिलिटी कुछ सो कुछ समथिंग समथिंग भी नहीं है। अब यानी कि इसकी जो सेटलमेंट वीडियो वो भी कोई जरूरी नहीं, देखते हैं। अब इसमें वीनस जो है, वीनस इज क्या स्ट्रेंथ है, 7:11 बहुत कमजोर। अब उसको सन को देखे हम, सन को अब इसके नंबर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें नंबर मिलना ही कुछ नहीं, 11-11 तो बिल्कुल गरीब है। तो ये वीनस सन में चलेगी मैरिज, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बीपी चलाए चलाए ये तो नहीं, ये नहीं चला सकते, नहीं वो भी नहीं चलाएगी क्योंकि अब इसने जो शादी की है ना वो झूठ बोल के एक तरह से कि इसकी एज ज्यादा है तो लड़की की एज बहुत कम है। ये ना क्या रहा है कि ये कह नहीं सकते यार, बाद में कॉम्प्रोमाइज भी आते हैं इन बातों पे, जी किसी दस्सी जी फिर बोले चले चलो, लेकिन जो 1:10 है ये कंफर्म कर रहा है ये चलेगी नहीं शादी, वीनस सन में मामला नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके ना काम भी नहीं है तो इसने झूठ बोल दिया गांव में कि मेरा काम नहीं है। ये आप जो बता रहे हैं फ्रैक्चर पोजीशन बता रहे हैं, हमें फ्रैक्चर पोजीशन में काम कर रहे हैं, पर हमारा देखना नंबर नंबर बता रहे हैं 9, अब मामला 9। अगर काम करने वाले लोगों की शादियां चलती हैं, तो अमीरों के तो तलाक ही ना होते कभी, जो लोग मर्सिडीजों में घूमते हैं उनके तलाक क्यों करते हैं, वो क्या 3-4 टोटल न्यूट्रल है वैसे, 3-4 में 7-5 ऊपर की बात, ऊपर इसको तो मैं न्यूट्रल मान के चल रहा हूँ। अब इसमें फर्दर हो जाएगा कि अगर ये समझिए 2-7 है और इधर जो है 2-7, अब क्या होगा, ये पिट जाएगा, सब लॉर्ड नेगेटिव होते हुए भी प्लेनेट मैरिज के लिए स्ट्रॉन्ग है, इसमें क्या है कि ये कोई फर्क, ये 2-7 की स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अब बीच के अंदर 1-10 में बेंडिंग मार। अब आपको ये वाली बात मेरी समझ, मेरी वाली ये वाली, ये प्लेनेट समझ में आप अलग तरीके से आएगा, अब आप इसको देखेंगे अलग तरीके से, ये 1 पॉजिटिव है, इसमें 2 नेगेटिव है, इसमें अब 2 नेगेटिव है, अब ये 7-11 कमजोर है,
क्योंकि इनके बीच का कनेक्शन नहीं है। ये 110 है, ये तो हो गए आपके 6, इसकी पावर भी 4, क्योंकि इसको यहां से कोई हेल्प नहीं, यहां की हेल्प बड़ी जरूरी है। ठीक है, ये क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। ये है मोहाली सेक्टर नंबर 9। मैं मोहाली सेक्टर नंबर 9 में तभी आ रहा था मोहाली में, लेकिन मैं मोहाली सेक्टर 9 में बिना मोहाली के होते भी आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को हेलीकॉप्टर से आना पड़ेगा, ऊपर से ही पैराशूटिंग, विच इज मोर डिफिकल्ट कमिंग बाय हेलीकॉप्टर। सो इफ नक्षत्र इज नेगेटिव, इवन देन इट इज पॉसिबल, इवन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट पॉसिबिलिटी इज वेरी लिमिटेड। चाहे इसमें कितनी भी स्ट्रेंथ हो, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है जो पॉजिटिव की। अब इसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो ये जो है, क्योंकि ये मिल नहीं रहे, ये ऑलमोस्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई भी इवेंट होने के लिए जो है नक्षत्र सबसे ज्यादा रोल इसका बनता है। ठीक है ना, नक्षत्र 9, 6, 4, 6, 2, 4, 6, 10 और ये मतलब एक अगर बना दो या आधा बना दो तो ये 4.5 या 5 ही दे सकते हैं इसका। सर हम ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्लैनेट और सब लॉर्ड एक तरह से, मैं ऐसे अगर इमेजिन करने के लिए कि एक तरफ बाल्टी पानी की पड़ी हुई है, दूसरी तरफ खाली बाल्टी पड़ी है, अभी भर सकता है, लेकिन बीच में रास्ता नहीं है जाने का, रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं है, वो भरी एक पर तरफ रहेगी उसके तो हुआ नहीं ना, हाँ, रास्ता नहीं है, नहा नहीं सकते, नहा नहीं सकते, उधर वाला बंदा नहा नहीं सकता, नहा तो सकते हैं लेकिन वो उसको हेलीकॉप्टर से उठा के रखना पड़ेगा। मतलब नक्षत्र की प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरीके से इस पे एक मिनट बाद में आ जाते हैं, कल एक और उसको मैंने लगाई थी, उसको मैंने कहा था आपको समझ में आसानी से नहीं आएगी, अब आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। 6/11/1954 ठीक है, 03/20 में आप देखो मून को, अब इसमें देख रहे हैं ये वो मून हो गया 11, 10, 1, 6, 7 ठीक है। अब 11 इज 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, इसमें 4 नेगेटिव, इसमें 2 पॉजिटिव, क्योंकि रास्ता नहीं, इसका ये ऑपोजिट हो गया, इससे इसके मैं 2 लूंगा तो इसके लिए 2 ही लूंगा, ये 2 और 2 एंटी हो गई तो 2 सेम पावर होगी, वो सेम होगी। अब क्या है, ये हो गए 5 और ये 3 नहीं है, ये 11 जो है इससे मिल नहीं सकता है, इस कमजोर है, ये ऑलमोस्ट दम नहीं है, इसका मतलब ये जो है, ये मून जो है सब लॉर्ड हाँ कहते हुए भी मून नेगेटिव है, पासिंग मार्क मिलने मुश्किल हो रहा है। और इसमें एक चीज और भी लास्ट ध्यान रखनी है, इसमें पूरी आगे 1/10 कंप्लीट मिले हो, ठीक है। अगर यूं होता समझ लो 10, 1, 10 दिस वुड हैव बीन वीकर, दिस इज अ बिट स्ट्रांग, मतलब कंप्लीट कॉम्बिनेशन, कंप्लीट कॉम्बिनेशन की अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ और थोड़ी सी बढ़ा सकता है, कर सकते हो तो 5 का 6 10 एक अंदाजे, ठीक है। अब इसी तरह से जुपिटर को एसेस करते हैं, जुपिटर क्या है 7, 2, 9, 1, 6, 5 रंगों में बनाया था, आपको आसान हो जाएगा समझ, बिना कलर्स के शायद आपको इतना अच्छा नहीं आया। अब इसमें कितने पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, कितने 0 नेगेटिव, इसमें 2 पॉजिटिव, इसमें 4 नेगेटिव, जो 9 है सर 7, 2, 9 9 है, आपका बल्ब भी गलत है क्या, हाँ
जो रहा हूँ नो एट नंबर एक ही मिलेगा नंबर एक ही मिलेगा नो ये पांच ठीक है हम लोग इसको मतलब अगर लेते छह लेते नीचे इसको फोर आप लिख जाए ऐड की इसकी पावर है वन इसकी टू इसकी थ्री बट इफ दीज टू कॉम्बिनेशन आर एक्जेक्टली ऑपोजिट देन दिस पावर सब डॉट पावर रिड्यूसेस फ्रॉम थ्री टू टू बोथ बिकम इक्वल सो बट देयर इज जस्ट वन और टू आर ऑपोजिट एंड वन इज ऑन द पॉजिटिव साइड तो वो मतलब एग्जैक्ट मैच तो चार हो तो गए लेकिन सर दो यहां अकेला है तो दो ही मिलेगा नहीं तो फिर चार देता मैं नहीं लेकिन जैसे दो यहाँ अकेला है जैसे दो सात ग्यारह होता है और एक ही दस मेरे के अगेंस्ट होता है मेरे कहने का मतलब है नक्षत्र के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इसके इसको इसको सपोर्ट करे जो इसको सपोर्ट करे ठीक है समझ सर जैसे केतु होता है यहाँ पे तब तो सब कुछ ही हमें नहीं मतलब मैडम मैं कुछ नहीं मतलब जैसे लास्ट में वन एंड सिक्स है ऊपर तो टू है दिस वन एक सपोर्टिंग नंबर एक ही है नीचे दो एंटी नंबर्स हैं तो अगर एक होता और छह तो मैं यहाँ दो देता ना अब यहाँ दो है सर अगर यहाँ नीचे एक छह दस होता तो भी आप रिड्यूस कर देते तब भी आप छह कर देते क्या हाँ जी वन सिक्स टेन होता तो भी तो करता है लेकिन क्योंकि एक छह दस कम्प्लीट है उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है या यहाँ जैसे दस आ जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी तभी सर नौ ही रहेगा नीचे नौ नहीं रहेगा इसको मैथमेटिकली एक्जेक्टली नहीं कर सकते मैं तो भावना मेरी अपनी जो भावना निकल रही है ये मैथमेटिकल हो ही नहीं सकता ये नया जो आ रहा है सॉफ्टवेयर उसमें ही कैलकुलेट होगा यार आप सॉफ्टवेयर को छोड़ दीजिए हां सर ऊपर होता टू सर हां सर 29 की जगह 211 कर दीजिए हां 211 कर दिया हमने सर क्या होगा चार और वो नीचे चार वैसे वो चार अच्छा तो एक हो दो हो बस तीन नहीं मतलब कंप्लीट नहीं होना चाहिए कंप्लीट की अलग बात है अब ये जो है कि ये अब ये नौ और पांच भी हम डाल सकते हैं जैसे आधा यहाँ डाल दिया आधा यहाँ डाल दिए सब में अब ये साढ़े तीन हो गए ये चार अब इसमें देखिए जुपिटर डबल बता रहा है उसके बाद भी सब लॉर्ड में डबल नेगेटिव बता रहा है उसके बावजूद भी जुपिटर जो है इज पॉसिबल वेयर एज मून इज नेगेटिव क्योंकि मून का सब लॉर्ड पॉजिटिव है ये उसके बावजूद भी मून जो है वो उसमें कम नहीं आप इस पे मत जाओ ये जुपिटर है राहु है केतु है इससे कोई लेना देना नहीं है ये नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ प्लेनेट है वो अलग से लगेगी अगर ये राहु होगा तो शादी आउट ऑफ कास्ट भी कल्चर से अगर प्लेनेट बेनिफिक है तो अपने कास्ट में होगी अगर डिवोर्स हो रहा है राहु केतु शनि का पीरियड जा रहा है राहु शनि का पीरियड जा रहा है तो इसका मतलब नाराजगी ज्यादा रहेगी थोड़ी सी जुपिटर मून वगैरह है तो बैठ के आराम से बात भी हो सकती है लेकिन साथ में आठ बारह पे ज्यादा असर डाल आठ बारह और मंगल शनि है तो फिर जूते चप्पलें और डंडे उड़ जाएंगे जुपिटर मून साथ डबा रहा है तो फिर हो सकता है कि सिर्फ डरा डरा के काम हो ये नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेट इस टाइप से काम होती है करते कॉम्बिनेशन ही है हाउस सिग्निफिकेंस ही काम करेंगे ये तो सिर्फ रंग देने वाले हैं मेन जो चीज है वो है पिज्जा दो सात ग्यारह इंच पिज्जा आठ लग गया तो डौरी प्याज आ गया बारह डल गया तो पटाखे बजने लगे ठीक है ना एक्सपेंडिचर बढ़ गया धूमधाम से होगी ये चीज ठीक है ना कौन मर्करी अगर इसकी जगह वीनस होता नहीं फिर पॉजिटिव कर देते हैं एक साथ इसमें एक दो भी बहुत है
वो कड़ी फिर उसके कड़ी का नहीं लेंगे ना नहीं लेंगे तो सही क्योंकि ये 1-10 अगर आया तो बिजनेस किया तो डाइवोर्स भी देगा भाई शादी के बाद अपना काम 1-10 को छोड़ नहीं देता मैरिज को ना हाँ करने वाली बात अलग है मैरिज को हाँ करने लग जाएगा सिर्फ इस दोस्त से इसी साथ से लेकिन मैरिज के बाद क्योंकि 1-10 है तो फिर डाइवोर्स बिजनेस भी दे देगा बिजनेस को छोड़ेगा नहीं ठीक है अब वापिस आ जाते हैं इसी हॉरोस्कोप पे जो आपने अब क्या करना है ये शनि है तो मेरी लाइफ का लुक मतलब जो है नुकसान ठीक है और देख लेते केतु केतु कैसा है डिवोर्स में ना लगा मैरिज वाले इवेंट में तो वो ड्रीम कर देते हैं ना हां सो सो अब ये है केतु कमजोर हो गया मैरिज के लिए मतलब डिवोर्स के लिए स्ट्रांगर हो ठीक है ना 1-6-6-1 ऐसे वालों में नंबर नंबर बना ही देते जहां कंफ्यूजन है ना वहां ध्यान से किया ये तो क्लियर कट है कि इसमें 3 पॉजिटिव हो गए इसमें 3-4-5 नेगेटिव ठीक है ना अच्छा वीनस 1-6-1-10 अब ये 7-11 बहुत कमजोर है क्यों इस 7-11 को ऊपर से स्ट्रेंथ नहीं है ये समझना बहुत आसान अब आपको समझ आने लगेगी बात अब इस तरीके से ये सन है 2 और 6 बराबर है लेकिन इस 2 को कुछ है दोस्त यार तो है सिग्निफिकेटर नहीं है ये सर ये बैंड्स ऑफ 2711 फैसिलिटेटर ठीक है अब मून जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी मैरिज की तरफ लेकिन 1-6-10-20 में पूरा है मार्स इज अब ये 6-6 रिपीट हो गया 2 और 7 नहीं मिल पाएंगे ये भी कमजोर है इसमें देखिए 1-10-6 ये 6 जो है प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये 7-11 कमजोर है ये नेगेटिव है ये भी ज्यादा नेगेटिव हो गया ये भी ज्यादा नेगेटिव हो गया ये भी ज्यादा नेगेटिव है ये 1 प्लेज स्ट्रॉन्गर रोल सर अगर राहु में 6 की जगह 7 होता तो फिर ये इसको तो फिर ये मैरिज की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी ये है कि 1-10 कंप्लीट आ गया और फिर ऊपर 1-10 और कंप्लीट है अब ये 7-11-7-11 बहुत कमजोर है इनका पास बना हुआ है 7 आ जाता तो भी वो पूरा तो नहीं होता क्योंकि 2711 कंप्लीट तो नहीं होता हां 7 आ जाता सर राहु में जैसे वो मून में कह रहे थे कि 7 आ जाता यहां 7 आ जाता देन आल्सो अब ये 6 को हटा देता तो अच्छा नहीं 6 को हटाता नहीं उससे पहले जो वो ब्लैंक आ रहा है यहां 7 आ जाते तो फिर ये थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इसकी लेकिन ये 1-6-10 जो कंप्लीट है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है उससे मतलब सर नशन मतलब एक पार दे देता है पाथ देता है वही है ना मोहाली में आने के लिए नए सेक्टर में ले और रास्ता दे देगा चंडीगढ़ से ठीक है अभी ये है इसकी मैरिड लाइफ का बड़ा लर्क ठीक है अब सैटर्न जो है पूरा 1-6 टर्म आ रहा है अगर किसी भी प्लैनेट के अंदर थोड़ा 1-6-10 स्ट्रांगर आ गया सन में तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है सैटर्न राहु में हमारे समझ से दोनों सेपरेटिव है दोनों बदमाश है डिवोर्स में मैं बताना भूल गया वो चीज अभी मैं कह देता हूँ कि उसके अंदर राहु केतु या शनि में से एक होना चाहिए तो इसमें 2 आ गए तो इस पे डिवोर्स अवश्य भावी हुए ठीक है और अब हेल्थ भी देखिए हेल्थ मैंने पढ़ाई की आपको सिर्फ ट्वाइस ये तो मैरिज तो खराब ही है सर इसमें ऐसे पता चलता है मैरिज के बाद शुद्ध डिवोर्स फर्स्ट मैरिज डिवोर्स फॉर्मल लीगली डन सेकंड मैरिज सेपरेटेड बट नॉट लीगली डिवोर्स वो हो जाएगा ना डाउन तो